नमस्कार, मैं हूँ राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का फरीदाबाद टाइम्स में। सर्दी के मौसम में इन दिनों पड़ रही चिलचिलाती धूप ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। किसान सूर्य की तेज ताप को लेकर खासा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल तेज धूप के चलते दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गेहूं के पौधों में बढ़ोतरी नहीं हो रही और सूर्य की किरणों से गेहूं का पौधा मुरझा रहा है। अगर सर्दी के मौसम में भी गर्मी का माहौल कुछ दिन और रहा तो किसानों को गेहूं की फसल में भारी नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, ऊपर से कुदरत की मार और नीचे बिजली विभाग की लापरवाही ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने से किसान गेहूं की फसल में पानी नहीं लगा पा रहे हैं। सर्दी के कारण सर्दी पर तो क्या मानते हैं? सर्दी पर ही ना रही और फसल में घाटो तो आ गई। सर्दी ना पड़ रही तो फसल कहाँ बैठ जाएगी इतनी? तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये पौधा जोर जब लगाओ ठंड ज्यादा पड़े, ठंड में फुटाव दे, फुटाव भी ना आ रही तो फिर पेट में तो जब तो निकलेंगे 20 पेड़ में कर रहा पेट दो ही तो दो पेड़ दो ही तो बाल आवेंगी जब 20 बाल आवेंगी। बिजली को लेकर बिजली को कोई टाइम टेबल ना था, एक रात को आ जाए दिन को आ जाए ना, अब छह दिनों ना आवे बिजली को तो ऐसा धंधा हुआ। सर्दी की कम की वजह से फसलों पे बहुत उपज में तो ठीक है, परंतु फुटाव में बहुत कम है। सर्दी है पार पर है तो अधिक उपज के फुटाव होगा और गर्मी इतनी है कि दूसरी बात यह है कि पानी की जो दिक्कत बहुत भारी है कि बिजली लाइट जो है तीन दिन वैसे आ रही है। रोटी खाते रहें भगोजी ट्वेल्व पे को और इतने वहाँ पहुँचे लाइट चली गई। हाँ जी, पहले की अपेक्षा बहुत कम सर्दी पड़ रही है और जो सर्दी से ही हमारे गेहूँ की फसल अच्छी होती है, बिना सर्दी के कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो सर्दी कम पड़ रही है, उसके बाद क्या है, एक कुल मिला के जो किसान जो है एक इन रोजन की वजह से बड़ी परेशान है और दूसरी बात है और कोई फसल लगाने की वजह से आलू है गन्ना है और कोई चीज़ है इसे बिल्कुल ये जो बनगाए जिनको बोलते हैं ये बिल्कुल बेकार बकवास चीज़ है, ये किसान को बहुत घाटे में पहुँचा रही है।